जब जब होता नाश धर्म का और पाप बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु और विश्व शांति पाता है। आगे की श्रृंखला कृष्ण जन्म से शुरू होती है। आइए चलते हैं मथुरा के उस कारागृह की ओर। कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्धरात्रि बुधवार, कारागृह में कंस के भयो कृष्ण अवतार, भयो कृष्ण अवतार। हे वसुदेव, सुदेव, यह बालक मानव जाति का उज्ज्वल भविष्य है। इसे यमुना पार अपने मित्र नंद राय के यहाँ छोड़ा। की मनमोहक अदाओ पर गोपिया यानी ब्रिज वाला लट्टू थी। कहा ना कि मुरली का जादू ऐसा था कि गोपिया अपनी सुदबुद्ध गवा बैठती थी और राज में मगन हो जाती थी। आइए हम भी नवरत्न रासलीला का आनंद लें। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जब जब इस धरती पर पाप अहंकार और अधर्म बढ़ेगा, तो उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना अवश्य होगी। कंस के अत्याचारों का घड़ा भर गया है, अब उसका अंत निश्चित है। चलिए देखें श्री कृष्ण के द्वारा पापी कंस का वध। ज्ञान, ज्ञान क्या है? ज्ञान इंसान की तीसरी आंख है। ज्ञान ताकत है। ज्ञान सत्य पहचानने की शक्ति है। ज्ञान भक्ति, निष्ठा, करुणा का दूसरा नाम है। संसार को सही मार्ग दिखाने के लिए ऐसा ही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, जो बन गया गीता का उपदेश।